नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। छर्रा रोड पर चंदन नर्सिंग होम के सामने किराए पर बिल्डिंग में स्वाति शर्मा, हैप्पी, शिवानी और मोनिका द्वारा हाई स्कूल पास, इंटर पास लड़कियों से फील्ड वर्क द्वारा गांव-गांव जाकर लड़कियां अपनी हम उम्र की लड़कियों के फॉर्म भरकर लाती थी और इस एनजीओ में 510 रुपये में 2 महीने की जमा करती थी, जिसमें चरित्र प्रमाण पत्र भी शामिल था। और नौकरी दिलाने का खेल लगभग सितंबर माह से चल रहा था। जी हां, त्रोली में अभियान फाउंडेशन एनजीओ द्वारा लड़कियों को दी जा रही थी 510 रुपये में 10,000 से 20,000 तक की नौकरी, और कहा था शिक्षा कोई ज़रूरी नहीं। लड़कियों से ये कहा था, जितनी भी लड़कियां आप इस एनजीओ में भर्ती करवाओगी उतना ही आपके पॉइंट बढ़ेंगे और जिसका टैलेंट अच्छा होगा नौकरी दे दी जाएगी। ये भी कहा गया था 2 महीने की ट्रेनिंग पाई और 10,000 से 20,000 तक की नौकरी इसी फाउंडेशन में आपको मिलेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समाज सेवियों को इसकी भनक लगी कि अतरौली में एक एनजीओ के माध्यम से शिक्षित लड़की और महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है, तो मौके पर कंछी लाल वार्ष्णेय व डॉक्टर कबीर खान पहुंचे। उन्होंने पब्लिक के सामने इस बात का खुलासा किया कि जो 5वीं पास या 10वीं पास और इंटर पास की 10,000 या 20,000 महीने की नौकरी लग सकती है, तो जो सीटेट, बीएससी, एमएससी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं उन्हें तो नौकरी मिल नहीं रही, तो 5वीं पास वालों को नौकरी कहाँ से दोगे। इसी बात को लेकर और भी समाज सेवी मौके पर आ गए और काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। मीडिया वाले भी पहुंच गए। एनजीओ के माध्यम से लगभग सितंबर माह से अब तक 2,000 लड़कियों की ठगी का शिकार बना चुकी थी। सभी को नौकरी का झांसा दे रखा था। इधर पब्लिक व समाज सेवी ने मौके पर पुलिस बुलाई, चारों लड़कियों को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने कहा इस एनजीओ की जांच कराई जाएगी, पुलिस इसकी गंभीरता से जांच भी करेंगी, जो लड़कियां शिकार हुई हैं उनका पैसा वापस दिलाया जाए। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कितनी लड़कियों को, 3-4 लड़कियों ने नौकरी का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया है। ये लड़कियों का टारगेट था कि एक लड़की जो इसमें प्रवेश लेगी उसे 10 लड़की और भर्ती करानी पड़ेगी, जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा, पॉइंट बढ़ेंगे, उनका टैलेंट ऊपर तक जाएगा। जब मीडिया वालों ने जानकारी की तो उन्होंने बताया ये एनजीओ सितंबर माह से चल रहा है, अभी तक इसमें सिर्फ एक को नौकरी मिली है। इसकी भी जानकारी, किसी को नौकरी मिली है तो वो जवाब देने में सक्षम नहीं, जबकि जितने भी प्रवेश इन्होंने एनजीओ के माध्यम से किए थे उनको सभी को यही बताया गया था कि आप 2 महीने की ट्रेनिंग कीजिए और 10,000 से 20,000 तक की नौकरी 2 महीने बाद हम आपको देंगे और इसी एनजीओ के माध्यम से देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज़ टीवी। 12,500, 18,500, लगभग 20,000 तक। हमारे हम लोगों की क्या एजुकेशन मांग रहे थे? ये मतलब 8 पास हो, हाई स्कूल इंटर हो, बीए हो, जो भी है सब चलता है। ये भी बताया गया था कि काफी टैलेंट के ऊपर नौकरी दी जाती है। जी सर, बताया गया था जिसके अंदर जितना टैलेंट होगा उसको उसी हिसाब से नौकरी दी जाएगी। नहीं, आपको लगता है जैसे कि जो 5 पास करने के बाद 8 पास नहीं कर पाए? नहीं सर, उनका कोई टैलेंट हो सकता है? कोई टैलेंट नहीं हो सकता है। नहीं तो क्या बताओ, जो मिल सकती थी? नहीं मिल सकती थी, उसको तो गुम्बा किया जा रहा था। आपने अभी कहा कि इंग्लिश में बात कर रही थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर गांव की लड़कियाँ काफी हमें दिखाई दे रही हैं। हाँ। तो क्या किसी ने ये बोला कि हम गांव के हैं तो हमसे हमारे तरीके से बात करिए? मैंने बोला था मैडम आप थोड़ा, हम लड़कियाँ हैं, आप थोड़ा इनको हिंदी में समझाइए। ठीक है, समझाते थे लेकिन वो नहीं समझाती हैं, 2-4 बात करी और चली जाती हैं लेकिन किसी की सुनती भी नहीं है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये सही है या गलत है? गलत है मैडम। अच्छा, ये आपको गलत लग रही है? बिल्कुल गलत है मैडम। तो अब इनका क्या किया जाए? इनसे जो हमारी जो पब्लिकेशन है इतना सारा है, इनको भाई जो भुगतान बढ़ा गया इनको तो बैक किया जाए, इनका पैसा जो भी है पैसे हाँ लिए थे। तो इनके बारे में आपको कुछ पता है कि इनका बड़ा ऑफिस, इनके सर वगैरह कहाँ? नहीं सर, कुछ नहीं पता मैम। तो ये कब से आई हुई हैं? इन्होंने बोला था कि हम शिकारपुर से हैं, शिकारपुर ड्यूटी करते थे, तो शिकारपुर की ही रहने वाले हैं। और एक मैडम अंजलि, पता नहीं क्या नाम, शिवानी, वो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। अच्छा, तो उन्होंने ये भी बोला था कि बुलंदशहर के शिकारपुर में भी हमारा एक डिपार्टमेंट है, हमारा वहाँ भी काम चल रहा है, तो लेकिन हमारे पता करने के बावजूद पता चला है कि वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अब आपको क्या लग रहा है? मैडम मुझे तो बहुत गलत लग रहा है, बहुत गलत लग रहा है। हम तो चाह रहे हैं सर, हमारे तो पैसा जितना भी है बैक करा दिए। पुलिस भी गई थी? हाँ गई थी। आप सब मिलकर बताइए आप क्या चाह रही हो? हमसे पैसे लिए गए, वो वापस हो जाए, वापस चाहिए। गलत इस प्रकार से लग रहा है सर, बताइए आप। 6, 7, 8, 9 हाई स्कूल इंटर है, इनके लिए क्या वो नौकरी मिल सकती है? तो ये चीज बताइए आप, उस वक्त क्यों नहीं सोची और क्यों लड़कियों को नहीं रोका? मैडम मैंने रोका, ठीक मैंने रोका, समझाया भी था, लेकिन मेरा कहने का मतलब था, मैं तो 2 दिन से ही आ रही हूँ यहाँ पर, ठीक, तो मैंने यहाँ पर देखा, कल भी देखा था मैंने कि पता क्या हो रहा है कैसे हैं, मैंने
मैं तो फिर कल चली गई थी, कागज कोई मैंने जवाब नहीं किया था अभी, चली गई थी मैं यहाँ से, मैं दोबारा आई हूँ 9:30 के करीब। ये कंपनी की चारों लड़कियां जो आप सब लड़कियों से ठगी कर रही हैं, तो इन्होंने और कुछ बताया अपने ऑफिस के बारे में? ऑफिस के बारे में कुछ नहीं बताया।